भाई इतने सारे सुंदर प्लेसेस हैं, मैंने देखा अपनी गाड़ी को ना भाई यहाँ लगा दिया, मतलब लग तो कि मेरे को मेरा मूड था नीचे लेके जाने का, बट नीचे नहीं ले जा पाया। अगर थार होती ना भाई मैं डेफिनेटली ले जाता इसको, बट मेरे को लगता नहीं अगर मैं इसको नीचे लेके गया ना तो ये वापस चढ़ पाएगी, बट आई थिंक मैं इसको चढ़ा सकता हूँ। क्या बोलते हो इसके साथ ऑफ रोडिंग करें या नहीं करें? मतलब यहाँ के ना पॉइंट्स के नाम भी अलग अलग से हैं। एक देखो वो सूरज भाई वहाँ से छिपने वाला अपना सूर्य देवता, और यहाँ पे आ चुके हैं और वहाँ वो देख क्या कर रहे हैं, फ्रेंसिक व्यू पॉइंट है, वहाँ क्या दिखेगा भाई। मतलब जितना शाम का टाइम होता जा रहा है ना उतनी ही जो खूबसूरती है अपनी इसकी नेचर की वो बढ़ती जा रही है, और ठंड तो इतनी बढ़ चुकी है थोड़ी देर में मेरे को ये लग रहा है कि जैकेट डालनी पड़ेगी, पेनल्टी लगेगी भाई इसमें। अपनी बात से मुँह कर रहा है इसीलिए हम यहाँ थे, खुद बोला था तो दोस्तों कैसे हो भाई, सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल है चार राइडर अभी पे, और हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। भाई टाइम हो चुका है 4:37 और अभी भी हम जो है कहाँ खड़े हैं भाई, अल्मोड़ा भाई वहीं खड़े हैं जहाँ पुरानी वीडियो जो है हमने एंड की थी, और आज अभी हम यहाँ से चल रहे हैं शाम के टाइम पे खेती चल रहे हैं। रास्ते में भाई वहाँ पे ज़बरदस्त पॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, वहाँ पे सनसेट पॉइंट भी आपको दिखाएंगे एक बेस्ट वाला, और बिना किसी देरी के चलो चलते हैं। क्योंकि यार जो अपना ये उत्तराखंड है ना, ये सारा एरिया ही ऐसा है भाई, मतलब ये पूरी नेचर के जो है अपना ये उत्तराखंड में सबसे बेस्ट नेचर आपको देखने को मिलता है, एंड सबसे बेस्ट ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं भाई, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सोने में से आज आपको बेस्ट वाले इस वीडियो के अंदर भी दिखाने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के भाई चलो मैं भी गाड़ी को निकाल लेता हूँ पार्किंग से और फिर सीधे निकलते हैं। यहाँ पूरी अल्मोड़ा की जो है मार्केट कवर करके हमें आगे जाना होगा। अल्मोड़ा ही पूरी मार्केट क्रॉस करने के बाद भाई ऊपर आ गए थे, और ये ऊपर है अल्मोड़ा का चिड़ियाघर, अगर किसी को देखना है तो भाई वो यहाँ पर आ सकता है। और ये पॉइंट कौन सा है भाई, ये भी पॉइंट्स तो बढ़िया बना रखे हैं इन्होंने। और अभी जो एक आगे है जो पॉइंट आने वाला है, वो पॉइंट आने वाला भाई जहाँ से पूरा का पूरा अल्मोड़ा शहर दिखाई देता है, मतलब अल्मोड़ा शहर जो है वो अपने आप में भाई बहुत ही बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है, और ऊपर से उसका नज़ारा दिखाएंगे आपको कैसा नज़र आएगा, शायद ही यहाँ तक कोई आता होगा। बट भाई आज हम यहाँ पर जो है लोकल गाँव के अंदर स्टे करने वाले हैं, कोई होटल अभी मजा आएगा ना भिड़ो होटल वगैरह नहीं लेने वाले, सो वहां पे एंजॉय करेंगे, जबरदस्त मजा आने वाला है। और कुकिंग जो करने वाला है वो हमारा मोहित है पीछे। अबे मोहित आज की कुकिंग तेरे जुम्मे, आज तू बनाएगा पनीर, चलो पक्की बात है। पनीर ले लिया भाई, ये पनीर का और बनाएगा ये पनीर बनाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको क्या हो गया भाई, मतलब बाइकर्स यहाँ पे मोस्टली रॉयल एनफील्ड ही लेके घूमते हैं, रॉयल एनफील्ड से सबको बहुत प्यार है भाई, रॉयल एनफील्ड बनी पहाड़ों के लिए, जैसे अल्टो को बोलते हैं ना पहाड़ों की रानी, कुछ दिनों में इसको भी भाई दे दिया जाएगा नाम पहाड़ों का राजा बुलेट। अरे ये नीचे वन ही वन भाई साहब, ये कैसा नजारा है, वो इतने सारे सुंदर प्लेसेस हैं, मैंने देखा अपनी गाड़ी को ना भाई यहाँ लगा दिया, मतलब लग तो कि मेरे को मेरा मूड था इसको नीचे लेके जाने का, बट नीचे नहीं ले जा पाया। अगर थार होती ना भाई मैं डेफिनेटली ले जाता इसको, बट मेरे को लगता नहीं अगर मैं इसको नीचे लेके गया ना तो ये वापस चढ़ पाएगी, बट आई थिंक मैं इसको चढ़ा सकता हूँ। क्या बोलते हो इसके साथ ऑफ रोडिंग करें या नहीं करें? भाई रिस्की है क्योंकि यहाँ पे टायर स्किट होंगे, मैं नहीं लेके जाने वाला, ये वहीं ठीक है। और ये देख वो वहाँ पे क्या, अरे यहाँ कैंपिंग कर ले मोहित, मोहित कैंप लगा ले अरे। एक फोटो ना खींचा
भगवान यार डला मारते हुए खेल डला यार डला मारम मारम खेल स्टार्ट एक बार दिखाई रहो फास्ट बॉल को कर फेंक क्या कर रहा है हटी एक बार उसका कर दो एक विकेट है और मैं एक एक बॉल मिलेगी उसकी ना जो उसकी नाश्ती में मारता था वो जीतेगा ठीक है मार यार साले का खोपड़ी तोड़ साले का इतना डर क्या रहा है मेरा तो स्किट हो गई मतलब यहाँ के ना पॉइंट्स के नाम भी अलग अलग से हैं एक देखो वो सूरज भाई वहाँ से चिपने वाला अपना सूर्य देवता और यहाँ पे आ चुके हैं और वहाँ वो देख क्या कर रहे हैं फ्रेंसिक व्यू पॉइंट है वहाँ क्या दिखेगा भाई बंद करे भाई क्लोज करना नीचे या फोरेंसिक आला की वो है यूनिट है अच्छा फोरेंसिक यूनिट है तो इसलिए इसका नाम रख दिया फ्रेंसिक व्यू पॉइंट है और इन्हें देख इन्हें आने के बाद और कोई काम ही नहीं बस इन्हें अपनी तसल्ली करनी इमो इतना तला पका दिया फिर राजी हो जाएगा नहीं तो देख उड़े चोट ला खाओगे तुम कौन है कहां से आते हैं मैं भाई आगे जाके कुछ नहीं कह सकते मिलेगा नहीं मिलेगा सो इसलिए हम अपना यहीं से फुल करवा लेते हैं रेट यहाँ भी 96 ही है हाँ मोहित ये मोहित का डिसीजन था कि यहीं करवा लेते हैं फुल आगे क्या पता मिलेगा ना मिले नहीं है उल्टा पैदा हुआ था क्या दिमाग खराब है कितना उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए यहाँ कट हट नहीं चलता है यहाँ जानता ही नहीं है कट क्या होता है मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ ले लिए वैसे पर कटना होता है पहाड़ में ऐसा नहीं होता है अच्छा जी शहरों में ही होता है कट यहाँ ईमानदारी खाते हैं अच्छी बात है तो देखते हैं भाई कितना आता है फिलहाल के लिए अभी फर्स्ट कट का रोग नहीं होगा छब्बीस सौ छियानवे का है 2700 कर दो दोस्त 2700 आया भाई 28 लीटर आया भाई जब सुबह डलवाया जब आया था इसमें 37 लीटर अब 27 लीटर आया यानी कि इसमें 10 लीटर अभी बचा हुआ था भाई आप सबको दिखाना तो था भाई सनसेट पॉइंट बट जब सन ही नहीं रहा तो सनसेट पॉइंट कहाँ से दिखाए वहाँ था भाई सनसेट पॉइंट तो अभी तो निकाह नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लेट हो गए भाई आते आते कोशिश बहुत की आपको दिखाने की बट नहीं दिखा पाए आप सबको भाई क्या ही ठंडी हवा चल रही है यार बिल्कुल मज़ा आ रहा है भाई एसी चलाने का मन नहीं कर रहा गाड़ी के अंदर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना और अब यहाँ से हमारा कितना रह जाता है किलोमीटर अभी तो 40 किलोमीटर और है अच्छा 3 किलोमीटर और है तजाकेश्वर यहाँ से है ओके तो आते टाइम करेंगे भाई जागेश्वर को कल वाले ब्लॉग में देखने मिलेगा सो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल कब तक नहीं किया है तो ये क्या बना रखे है भाई सामने रिजोर्ट काफी अच्छा बना रखा है और यहाँ का व्यू चेक करो ये यहाँ का व्यू चेक करो फिर मतलब जितना शाम का टाइम होता जा रहा है ना उतनी ही जो खूबसूरती है अपनी इसकी नेचर की वो बढ़ती जा रही है और ठंड तो वह इतनी बढ़ चुकी है
थोड़ी देर में हम मेरे को ये लग रहा है कि जैकेट डालनी पड़ेगी। हाँ यहाँ सब जैकेट डाल रहे हैं, बस हमारी नहीं डली हुई, हम भी डाल लेंगे भाई। One hour later. भाई इतनी रात को अमित का नहीं पता भाई, ये बोल के लाया था कि यहाँ पे कोई अच्छा सा घर है रहने के लिए, अब पता नहीं भाई हमें यहाँ क्या मिले क्या नहीं। एक तो ऐसे रास्ते ही ऐसे हैं, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, दूर दूर तक ये देखे ऐसे रास्ते हैं, सिर्फ जंगल ही जंगल है भाई। मेरे को लगता है ये जो आदिवासी रहते हैं ना, शायद वहीं रहना पड़े। दिखा भाई एक घर, दिखा एक घर तो दिखा भाई, अब शायद आगे मिल जाएगा। गांव है ये कोई भाई, सुबह देखते हैं गांव की सुबह कैसी होती है। हमारे गांव की तो अच्छी होती है, अभी यहाँ के देखते हैं। हमारा आने वाला है ये, आगे यही है क्या ना, 800 मीटर आ गया भाई, और गाड़ी भी अंदर ही पार्क हो जाएगी अपनी, ये भी ठीक है। बाकी रास्ता बेहद ही खतरनाक है भाई रात के टाइम पे तो, और अगर बाहर का मैं नज़ारा दिखाऊं तो क्या ही दिखेगा आपको रात को। अब अंदर गाड़ी का सेट लगाए, अरे अड़ लग जाएगी सिर्फ उधर, यो 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 अड़ लग जाए, लग जाए यार, लग जाए ने तू इसने कर दे बस, पर ने लाइट ऑन कर अंदर की। अरे थोड़ी पूरी ना जाओ जितनी आप बंद करना जरूरी है, खुला पड़ा बस 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 बस, बस। फाइनली भाई अपनी गाड़ी भी अपने घर पे आ चुकी है। ये एक्चुअली भाई भाई ने जो है अमित भाई अपने उन्होंने घर ले रखा है, उन्हीं के पास हम आए थे, मैं चल अपने घर पे रुकेंगे। सो गाड़ी यहाँ लगी गैराज में और अब अंदर चलते हैं, कुछ थके हुए हैं भाई और देखते हैं अंदर क्या सीन है, कौन सा कहाँ पड़ा हुआ गिरा हुआ है, कौन सा कहाँ लेटर। अच्छा आते ही बेड पकड़ लिया है मिस्टर मोहित, ऐसे थोड़ी चलेगा, आपने आते ही बेड पकड़ लिया इस साइड। तू बेड डाल है? हाँ ये यहाँ चार्जर भी तो लगाना है। कैसा लगा अभी यहाँ घर आ गए, होम स्वीट होम आ गए? ओए ना राम मिल गया भाई, रेंज जीरो नजरेंज तो कमरे के अंदर जीरो रहेगी बिल्कुल और यहाँ भाई फिर अपनी छोटा सा किचन है ये, अभी यहाँ पे खाना वगैरह बनेगा फिर खाएंगे। क्या बनाओगे सरकार? अच्छा इस पे नमक डालोगे, ये खीरा है और ये शाही पनीर बना हुआ क्या, मटर पनीर। चलो भाई खाना वगैरह खाते हैं, पहले देखते हैं आज की वीडियो तो भाई मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह, क्योंकि अभी भाई मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, टाइम लग जाएगा। सो इस वीडियो में देना है दोस्तों, कल वाली वीडियो के लिए रेडी रहना, कल बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। इनको मतलब थोड़ी है, ये क्या बोला था तुमने, खाना शाही पनीर रेटी बोला था ना इसने? YouTube चालू करूंगा जल्दी जल्दी बता, कल लग रहा है YouTube चालू करूंगा, मैं देखो वो करूंगा खाना जल गया था मरता ना खाना। बताओ सब्जी पेनल्टी लगेगी भाई इसमें, अपनी बात से मुंह कर रहा है, इसीलिए हम यहां थे, खुद बोला था जी ऐसे 12 बजे का की कर रहा क्या उड़ा दे तू आ दे, नहीं नहीं कमेंट करके बताओ भाई कर रहा है ना ये, पेनल्टी लगेगी इस पे। हेलो अब मुंह की छुपा है आपको कैसे बनाओगे नमकीनदार।
ना भाई मुकर गया यार ये नहीं बना रहा देखो बना ही नहीं रहा ये मतलब ही नहीं भाई दो भाई मैंने बुला रखी है सब्जी बनाऊंगा बढ़िया अपनी अच्छा मैं गाइड करूंगा ना सुतरी त्रिया सही बनी हुई सब्जी बनाऊंगा देखना है ना।